वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी सीजनल फॉरेस्ट के बारे में। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। लास्ट वीडियोस में हम डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस और सीजनल फॉरेस्ट या फिर मॉनसून फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, सबसे पहले हम इनकी डिस्कस करेंगे इनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के बाद इनका क्लाइमेट कैसा है, इस क्लाइमेट के बेस के ऊपर क्या इसकी वेजिटेशन है यानी फ्लोरा है, एंड उस फ्लोरा के बेस पे क्या यहाँ पे फौना होता है। तो सबसे पहले लोकेशन क्या है, कितना एरिया ये कवर करके रखता है। दिस आर फाउंड इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यानी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इंडो चाइना, वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट ब्राजील, इन रीजन्स के अंदर जो है ये सीजनल फॉरेस्ट लोकेटेड है। नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द ट्रॉपिकल आइसलैंड ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस, यहाँ पे भी इनकी लोकेशन होती है। इंडिया के अंदर ये फॉरेस्ट जो है अकर्स इन नदर्न एज वेल एज इन सदर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में दोनों के दोनों पार्ट्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना, वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट ब्राजील के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रॉपिकल आइसलैंड्स ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस, इन सब रीजन्स के अंदर मॉनसून फॉरेस्ट लोकेटेड होते हैं। एंड साउथ इंडिया के अंदर दीज आर एबंडेंट इन ट्रॉपिकल आइसलैंड ऑफ द इंडियन ओशंस, इंडियन ओशंस के जो ट्रॉपिकल आइसलैंड है साउथ इंडिया के अंदर, वहां पे ये बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे ये इनकी एबंडेंस जो है वो ज्यादा होती है, तो वहां पे ये एबंडेंट होते हैं। तो ये इन फॉरेस्ट की लोकेशन हो गई। क्लाइमेट क्या होगा अब इसका, क्लाइमेट जो है इसके अंदर एनुअल रेनफॉल जो है 100 to 200 centimeter होता है, ठीक है, 100 to 200 centimeter होता है, एंड इज मॉडरेट एंड सीजनल, नॉट यूनिफॉर्म। इन इंडिया इट इज मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड, इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो है मोस्टली यहाँ पे रेनफॉल जो है मॉनसून सीजन के अंदर होती है, इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है। द क्लाइमेट इज वार्म विद मार्क सीजनल चेंजेस, क्लाइमेट वार्म होता है एंड सीजन्स होते हैं इसके अंदर, ये सीजन आ गया, फिर रेन वाला सीजन आ गया, मॉनसून सीजन आ गया, या फिर समर विंटर, तो सीजन्स जो है इसके अंदर ये मार्क्ड होते हैं सीजनल चेंजेस। दिस आर अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग सीजन, एक बार वेट होगा ड्राई, देन वेट ड्राई, ऐसे अल्टरनेट सीजन्स यहाँ पे चलते रहते हैं। मीन एनुअल टेम्परेचर इनका होता है 22 to 30 degrees Celsius। सोइल यहाँ पे रिच होती है मिनरल्स के अंदर एंड ह्यूमस के अंदर, एज द इन्वायरमेंट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द डिकम्पोजर्स, वार्म कंडीशंस है यहाँ पे, सीजनल चेंजेस भी है, रेनफॉल भी है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, डिकम्पोजर्स होंगे। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन कर देंगे एंड मिनरल्स की रिसाइकलिंग कर देंगे, तो सोइल यहाँ पे क्या होगी, मिनरल्स के अंदर रिच होती है। तो क्लाइमेट के बाद इस क्लाइमेट के बेस के ऊपर क्या वेजिटेशन यानी कि क्या प्लांट्स या फिर फ्लोरा होते हैं। वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ब्रॉड लीव्ड ट्रीज एंड शोज डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पे भी स्ट्रेटा होते हैं यानी कि यहाँ पे क्या होती है, लेयर्स होती है, ट्रीज की लेयर्स होती है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटा या फिर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे ब्रॉड लीव ट्रीज डोमिनेट करते हैं। This form the 2 to 4 story, ठीक है, ये जो यहाँ पे stratification है, layer है, ये 2 to 4 layer तक हो सकती है। The average height of the tree is 40 meters, and जो average height है trees की वो 40 meter तक होती है। Shrubs constitute the 3rd story, while forest floor is dominated by herbs and ferns. तो सबसे पहले क्या होंगे यहाँ पे, like trees होंगे जिनकी height बहुत ज्यादा होगी, ट्रीज के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है और थोड़ी छोटी हाइट के ट्रीज होंगे, तो ट्रीज यहाँ पे जो है 2 to 4 story यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, 2 to 4 layers के अंदर ट्रीज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेयर यहाँ पे होती है, 3rd जो स्टोरी होगी उसके अंदर आते हैं शार्प्स, शार्प्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हर्ब्स आती हैं एंड देन फर्न्स आती हैं,
ठीक है, ये सारी जो स्टोरीज है फिर लेयर्स है ये देखने को मिलती है इन फॉरेस्ट के अंदर. A number of seasonal climbers are also present, but epiphytes and perennial climbers are scarce. यहाँ पे सीजनल क्लाइंबर्स जो सीजन्स के अंदर की, अब विंटर है, ड्राई सीजन है या वेट सीजन है, तो जो सीजनल क्लाइंबर्स होंगे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एपीफाइट्स एंड पेरिनियल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल जो है टू मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, यानी पेरिनियल क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं, वैसे टाइप के यहाँ पे जो प्लांट्स है फिर क्लाइंबर्स है वो कम होते हैं, रेयर होते हैं, स्कार्स होते हैं. ट्री सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू बिकम ऑलमोस्ट लीफलेस. यहाँ पे ट्री जो है ड्राई सीजन के अंदर अपने लीफ फॉल ऑफ कर देगा, गिरा देगा या सेट कर देगा, एंड कंप्लीटली ये कैसे बन जाएंगे, ऑलमोस्ट लीफलेस बन जाएंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट लीफलेस बन जाएंगे. तो वेजिटेशन की अगर हम बात करें, ब्रॉड लीव ट्रीज यहाँ पे डोमिनेट करते हैं. ट्रीज की 2 to 4 स्ट्रेटिफिकेशन होती है. ट्रीज के बाद यहाँ पे शर्ब्स होती है, एंड शर्ब्स के बाद यहाँ पे हर्ब्स एंड जो फर्न्स है वो देखने को मिलती है. सीजनल क्लाइंबर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, वाइल एपीफाइट्स एंड पेरिनियल क्लाइंबर्स यहाँ पे कम होते हैं. एंड ड्राई सीजन के ड्यूरिंग पे ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं, ऑलमोस्ट लीफलेस ये बन जाते हैं. मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज 1600 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एंड ये रेंज करती है 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, ओवरऑल इसकी मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे 1600 होती है, एंड रेंज करती है, इससे कम भी हो सकती है, यानी 1600 से इससे ज्यादा भी हो सकती है. तो ये रेंज करती है 1000 to 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. मेन ट्रीज इन मॉनसून फॉरेस्ट आर ऑफ इंडिया आर बॉम्बेक्स. ठीक है, यहाँ पे बॉम्बेक्स हो सकता है, इसके अलावा शोरिया रोबस्टा यानी कि साल हो सकते हैं यहाँ पे, टिकोमा ग्रैंडिस यानी टीक हो सकते हैं, बिटुआ हो सकते हैं, बिटुआ मोनोस्पर्मा हो सकते हैं यहाँ पे, इसके अलावा डिलिनिया हो सकते हैं, एम्बेलिका ऑफिनेलिस हो सकते हैं, सीजियम हो सकता है, सीजियम क्यूमिनी हो सकता है, टर्मिनेलिया हो सकता है, टूना सिलेटा हो सकता है. तो ये स्पीसीज जो है यहाँ पे मेन ट्रीज जो है मॉनसून फॉरेस्ट इंडिया ऑफ इंडिया के अंदर ये जो प्लांट्स की स्पीसीज है वो देखने को मिलती है. टीक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन ट्री, एंड इनमें से भी जो टीक होता है वो मोस्ट कॉमन. ठीक है, टीक क्या है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे ट्री होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है. एंड बैम्बू इज द मोस्ट कॉमन शॉप, एंड ये जो बैम्बू होता है वो शर्ब्स के अंदर, लाइक ये ट्री था ये शर्ब्स है, तो बैम्बू क्या है यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन शर्ब होती है. इसके बाद इसके बेस के ऊपर फोना क्या होगा, कॉमन यहाँ पे मिलते हैं बियर हो गया, डियर हो गया, या फिर यहाँ पे पिग, टाइगर, लायन, एलिफेंट, स्नेक्स एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. और एनिमल फोना जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट इज स्लाइटली लेस वेरी, लेकिन यहाँ पे कुछ वेराइटीज नहीं होती है, लेस होती है या फिर, ठीक है, लेस वेराइटी होगी, अदरवाइज उसके जैसा ही यहाँ पे एनिमल स्पीसीज या फिर फोना देखने को मिलता है. तो यहाँ पे ये मॉनसून फॉरेस्ट की बात हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बायोम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.